तो और मेरे भाई लोग कैसे हो यार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और भाई इस वीडियो में ना मैं कुछ अलग बात करने वाला हूँ। मतलब हर बार हम पबजी या फौजी की बात करते थे, हम इस बार कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करने वाले हैं। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाई कि कॉल ऑफ ड्यूटी में ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण वो पबजी की जगह नहीं ले सकती। मतलब भाई कॉल ऑफ ड्यूटी एक ऐसा गेम है भाई जो बहुत लोग सोचते हैं कि पबजी का अल्टरनेटिव बन सकते हैं, बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई ऐसा क्यों कि पबजी का अल्टरनेटिव नहीं है कॉल ऑफ ड्यूटी, ऐसा मैं क्यों कह सकता हूँ। तो भाई चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और भाई सबसे पहले मैं बता दूं, जितने भी कॉल ऑफ ड्यूटी के फैंस देख रहे हैं भाई, मैं किसी भी गेम को ऑफेंसिव नहीं करना चाहता भाई, किसी भी गेम को मतलब बुराई नहीं करना चाहता मैं। बस मैं बता रहा हूँ भाई कि कॉल ऑफ ड्यूटी में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो पबजी की जगह लेने से उसे रोक सकते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी को। तो भाई चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ कि ये हर बंदे के साथ होगा। हर बंदा जो अपना मतलब नेटवर्क यूज़ करता है, अपना बिना वाईफाई के खेलते हैं, मतलब अपना जियो सिम के यूज़ करके खेलते हैं, और मेरे जैसे जियो के सिम वाले को तो खास करके होगा भाई, क्योंकि हम एक गांव से बिलोंग करने वाले हैं भाई, उधर टावर उतना अच्छा नहीं होता। तो भाई यही मैं प्रॉब्लम बताने वाला हूँ, तो आप समझिएगा कि मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। तो भाई इस गेम में हमें बहुत ज़्यादा नेटवर्क की हाई स्पीड की जरूरत पड़ती है, जैसा कि आप अभी देख ही सकते हो क्या चल रहा है। मैं इसे बहुत पहले डैमेज दिया और देखो अब मुझे जाके किल मिली इसकी। भाई आप देख ही सकते हो इसमें क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, जबकि मेरा पबजी में इतना ज़्यादा हाई पिंग तो बहुत ही कम होता है, जबकि मेरा माइक और स्पीकर दोनों ऑफ है। तो भाई इसमें आप समझ ही सकते हो कि नेटवर्क का कितना बड़ा इशू है इस गेम में। और भाई इसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम है भाई, वो इसके स्कोप के साथ है। तो भाई आप इस क्लिप में देख सकते हो भाई, जो मेरे गन पे स्कोप लगी हुई है उसका नाम मैं पहले आपको गिरा के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो इसका नाम 4x टैक्टिकल स्कोप आपको दिख ही रहा होगा। तो मैं इसे पहले इक्विप कर लेता हूँ और बस मैं एक गन में अटैच कर लेता हूँ। पहले आप देख लेना भाई इसका नाम 4x स्कोप है, आपको मैंने दिखा ही दिया। तो भाई अब मैं आपको इसका जूमिंग पावर दिखाता हूँ। भाई देखो यार ये 2x से भी कम है भाई, ये एक स्कोप है। और भाई इसके साथ स्कोप में एक और प्रॉब्लम है कि भाई इसमें स्कोप का जो स्पॉन रेट है, मतलब मिलने की जो मतलब एक मैच में कितना स्कोप मिलता है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है भाई। इसमें रेड डॉट तक खोजने के लिए आपको एटेक्स के लिए जितना परेशानी होता है पबजी राइट में ना, उतना इसमें रेड डॉट के लिए परेशानी होता है। और अगर आपको 4x भी मिलेगा तो आप समझ ही सकते हो कितना कम जूमिंग पावर मिलेगा भाई। स्नाइपर चलाना इसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्कोप नहीं मिलता। और भाई एक बात और, जो DMRs होती है, मतलब जो मिड रेंज के लिए स्नाइपर्स बनी होती है, वो उन गन्स में पहले से एटेक्स अटैच्ड रहता है। तो भाई उसमें आपको एडवांटेज मिल सकता है कि पहले से आपको एटेक्स मिलेगा, तो आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास स्कोप नहीं है तो भी। और फिर भाई इसके साथ जो अगला प्रॉब्लम आता है, वो आता है भाई इसके गेम मैकेनिज्म के ऊपर। भाई देखो पबजी का अलग गेम मैकेनिज्म था और इस गेम का अलग गेम मैकेनिज्म है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन भाई इसमें देखो आप पानी में भी फायरिंग कर सकते हो भाई, ये तो भाई लॉजिक से पूरे परे है भाई, यहाँ तक कि आप पानी के अंदर जाके भी फायरिंग कर सकते हो। भाई देखो मैं गेम को हेट नहीं पहुँचा सकता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गेम बहुत ही घटिया है, बट यार कोई लॉजिक का भी तो ध्यान रखना चाहिए। और भाई गेम मैकेनिज्म पबजी से जो अलग है वो है भाई, इसमें आप पीक एंड फायर नहीं कर सकते, और फिर भाई बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आप नहीं कर सकते इसमें, जैसे कि आप अपने टीममेट, जब आपका टीममेट मैच में है तो उसको आप एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते, उसको मैच में नहीं देख सकते, जो कि पबजी में देख सकते हैं। हाँ पबजी लाइट में नहीं देख सकते, इससे भाई कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती। बट यार और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी है, जैसे कि आपको माइक अपने फ्रेंड के लिए भी खोल सकते हो, मतलब आप जिन लोगों के साथ लॉबी में से आए हो वही लोग से आप बात कर सको, मतलब जो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो फेसबुक फ्रेंड्स हैं या गेम फ्रेंड्स हो, जैसे भी हो, बट वो फ्रेंड्स हैं अगर, तो उनके लिए आप स्पेशल माइक खोल सकते हो, और साथ में आप उनके लिए स्पेशल स्पीकर भी खोल सकते हो, मतलब जो आपके फ्रेंड्स बोलेंगे वही आपको सुनाई देगा, टीममेट बोलेंगे जो आपके फ्रेंड नहीं है वो नहीं सुनाई देगा। तो भाई ये भी एक अच्छी बात है। और भाई जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, वो पिंग का यार। भाई इसमें 200 के पिंग भी होते हैं तो भी आपको लगेगा 968 का पिंग है इसमें भाई, इसीलिए मैं बता रहा हूँ भाई इस गेम में हल्का सा पिंग का इशू आप करेगा, यानी अगर आपके पास नेट अच्छा नहीं है तो भाई मैं नहीं चाहता भाई कि आप इस गेम को डाउनलोड करो और अपना डाटा वेस्ट करो, क्योंकि भाई इसमें इसका साइज़ ही आपको 1.5 GB का हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी साइज़ है भाई। मैं खुद एक दिन इंटरनेट यूज़ नहीं किया इस गेम को डाउनलोड करने के लिए, और आज इसका अपडेट आया भाई, जो कि शुरुआत में तो मुझे लगा चलो 250 का अपडेट है, 250 MB का अपडेट है, मैं आसानी से कर लूँगा, बट बाद में मुझे पता चल रहा है भाई 250 MB का एक अपडेट किया, फिर उसके बाद 76 MB का दूसरा अपडेट किया, फिर 3-4 और छोटे मोटे अपडेट्स किए, और भाई वैसे करते करते मेरा 500 MB डाटा ही ले लिया भाई। इसी कारण मैं आज लाइव भी नहीं आ पाऊँगा। तो यार बस आज की वीडियो मुझे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा टेक केयर, पीस आउट। और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यार बाय।